Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel and also click the bell icon. So friends, हमने last video में आपका F block element complete करा दिया था friends. ठीक है friends, तो आज हम उससे related जो CSIR, NET और GATE में question आए हैं उनकी practice करते हैं. ठीक है friends, तो start करते हैं हम. पहला question है friends हमारा कि GATE में आया हुआ friends ये अब ये कह रहा है कि the correct electronic configuration and spin only magnetic moment of gadolinium plus 3 R जिसका atomic number दे रखा 64. तो gadolinium plus 3 के लिए आपको बताना है कि एक तो correct electronic configuration बताना है. ठीक है friends, और दूसरा बताना है कि spin only magnetic moment क्या होगा. तो friends हमें पता है जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि ला के प्यार ना दिया पम्मी ला के प्यार ना दिया पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई. तो friends क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 आएगा, यानी F7 हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो 4F7. अब देख लो इसमें 4F7 कौन कौन सी है. ये तो है नहीं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन कट हो गया, ये भी फ्रेंड्स ऑप्शन कट हो गया. अब इसमें और इसमें है 4F7. अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं. फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि F7 हो गया, तो अगर फ्रेंड्स इसका F7 हो गया तो मैंने बताया हाफ फील्ड हो गया ये. ठीक हो गया फ्रेंड्स, हाफ फील्ड. अब क्या होगा, हाफ फील्ड हो गया तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, स्पिन ओनली से निकलेगा. तो निकाल लेते हैं, F7 में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे. ठीक हो गया फ्रेंड्स, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने. तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्पिन ओनली निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 4s into s+1, या और एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन. ठीक हो गया फ्रेंड्स, एन तो अंडर रूट 4s into s+1 या अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू. तो क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 + 2 9, 9 63, यानी 63 आ गया. तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7.9. ठीक, 64 होता है, 8 का क्यूब होता है, तो ठीक हो गया फ्रेंड्स. तो 7.9, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो गया. ठीक हो गया फ्रेंड्स, ज़ेनॉन 4F7 हो जाएगा और 7.9 बोर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो फ्रेंड्स अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है आपका नेट में. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH. तो अब ये बताना है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. तो फ्रेंड्स हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जो एसिड होगा वही बेस के साथ रिएक्ट करके इजिली सोल्यूबल बना देगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा. तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था कि अब देख लेते हैं कि पहला कौन सा है. तो ये लेंथेनम वाली सीरीज है, मतलब एल आपकी कौन सा हो गया, लेंथेनम, मतलब आपका 4F सीरीज के एलिमेंट्स है. तो उसमें क्या लगता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन लग जाता है फ्रेंड्स. लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, आपका जैसे जैसे साइज छोटा क्या हो रहा है, लेंथेनम नियोडाइमियम समेरियम और ल्यूटिशियम से जा रहे हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बढ़ क्या हो रहा है, एटोमिक साइज बढ़ रहा है. तो उससे क्या हो जाएगा, आपका लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा. लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन होने से क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है. तो क्या होगा, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, ल्यूटिशियम OH का, मतलब ल्यूटिशियम का होल थ्राइस OH. ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा कि कौन सा मोल, तो यही हाईएस्ट सोल्यूबल NaOH के साथ सोल्यूबल होके अच्छा प्रेसिपिटेट बनाएगा. ठीक, तो दो क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स. अब अगला क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन को मिटा देता हूं. ठीक हो गया, अब ये अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स. अब ये कह रहा है कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर. तो हमें ये बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है UO2, यानी यूरेनियम UO2+ डिस्प्रोपोर्शनेट्स मोर इजीली देन UO2+. ठीक है, और बी ऑप्शन, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. बी ऑप्शन है U3O8 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम, की U3O8 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है. और सी ऑप्शन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन UO2 NO3 का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस इंटू 4H2O इज 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है. देखते हैं फिर डी ऑप्शन में UO2+ इज लीनियर. तो फ्रेंड्स हमने अभी ये पढ़ा था कि क्या होते हैं जो यूरेनियम यानी एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स उनका क्या होता है, वो मेटल ऑक्सो बॉन्ड शो करते हैं. तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि UO2+ इज लीनियर, 2+ इज लीनियर. ठीक,
तो डी ऑप्शन जहां जहां हो तो उसको तो ओके कर दो, तो सब में डी ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं ए से, तो यू ओ टू प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट्स मोर इजिली देन यू ओ टू प्लस। अब क्या होता है, जो प्लस वन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और वो केवल इसी चीज से हो सकता है, ये आपको ऑक्सीडेशन भी कर सकता है रिडक्शन भी, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अब दूसरा आता है U3O8 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम, कि यूरेनियम का U3O8 मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली ही प्रूफ किया गया है कि U3O8 एक मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है। ठीक, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब देखते हैं कि सी ऑप्शन में क्या है, अब देखते हैं जी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, जो यूरेनियम एक तो वैसे ही बड़ा एलिमेंट है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो वो भी बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन यू ओ टू एनओ थ्री का होल ट्वाइस और वाटर का होल ट्वाइस इंटू फोर एच टू ओ इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब देखते हैं अगर हम डी ब्लॉक मतलब वैसा इन जनरल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो गया, दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया आपका, दो इसका हो गया और दो इसका हो गया, तो दो चार छह, तो इसके वजह से सही आ रहा है। बट एक्चुअली में ये क्या होता है, एक तो साइज बड़ा है, यूरेनियम का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने के अलावा तो इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड शो जो बिहेव करते हैं वो एज ए बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, जो एनओ थ्री हो गया ना फ्रेंड्स आपका, ये एनओ थ्री हो गया। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन डोनेट कर लेते हैं यूरेनियम को। ठीक, तो ये क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो क्या होगा, दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया, दो दुनी चार इसका हो गया और दो, तो चार दो छह और दो आठ, तो ये एट कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो क्या हो गया आंसर, ये सॉरी ये हाँ आपका हो गया ये सी होगा, ठीक डी ऑप्शन में, तो क्या हो गया आंसर हमारा, हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ए ए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया और डी ऑप्शन और सी हो गया करेक्ट, सी हो गया इनकरेक्ट। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया ए ऑप्शन, ए बी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए, अब इसको मैं मिटो देता हूं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी नेट में आया हुआ है फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि दी जी वैल्यू है, मतलब लिने फैक्टर निकालना है, दी जी वैल्यू फॉर सीरियम +3 4F1 दे रखा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, +3 में है ये, एंड प्रोसियोडाइमियम +3 4F2 दे रखा है, इज मतलब ये बताने हैं 3/7 होगा ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स, निकालते हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स टू 3/2 प्लस आपका एस इंटू एस प्लस वन, ठीक हो गया फ्रेंड्स, माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2j इंटू जे प्लस वन। ठीक, j क्या हो गया, कपलिंग कॉन्स्टेंट हो गया, j की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है, अगर हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड से कम हो l माइनस एस होगा, अगर हाफ फील्ड से ज्यादा l प्लस एस होगा, s स्पिन स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की, और क्या हो गया l क्या हो गया एंगुलर। ठीक, तो देखते हैं अगर हम इसमें निकालते हैं, तो इन्होंने खुद दे रखा है 4F1। ठीक, तो ये अगर मैं इसका, ये 7 हो गए, एक 3 और 3 6 और एक 7। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका सिंगल स्पिन है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। ठीक, और l क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, यहाँ पर हो ना +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक, तो अगर j की वैल्यू देखता हूं, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस एस, तो l कितना है फ्रेंड्स, 3 -1/2, तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 -1, तो 5/2 j की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अब इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, 3/2 + s, s क्या है फ्रेंड्स, हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस l, l क्या है, 3 है आपका, तो 3 × 1 = 4 = 12 हो जाएगा। ठीक, अपॉन 2, अब j कितना है फ्रेंड्स, 5/2। ठीक, तो 5/2 + 1 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इससे ये कट हो जाएगा, तो 3/2 + 3/4 - 12 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2j, सॉरी हाँ 2j × j + 1, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक, तो 2j × j + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 35 / 2 हो जाएगा।
जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3/2 प्लस 1248 माइनस 45 हो जाएगा फ्रेंड्स, 45 डिवाइड बाई 4 अपॉन 35 डिवाइड बाई 2, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये इधर आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 45 अपॉन 70 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 का एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 35 दिया गया कितना होता है 105 होता है, माइनस 45 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60/70 आ जाएगा, ठीक, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 6/7, ठीक। तो 6/7 इसका और इसका है, तो अगर आपको अगले वाले को सॉल्व करोगे 4f2 से तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है फ्रेंड्स कि s इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये हाफ प्लस हाफ और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 6 हो जाएगी, बिल्कुल सेम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आ जाएगा ये, तो इसका क्या हो जाएगा g की वैल्यू 4/5। बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि g जो लीनियर फैक्टर होता है 3/2 प्लस s इनटू s प्लस 1 माइनस l इनटू l प्लस 1 अपॉन 2j इनटू j प्लस 1, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने नेट का ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी नेट में आया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कंसिडर करनी है हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एक्टिनाइड सीरीज के लिए, एक्टिनाइड्स के लिए कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट की कौन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ए, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +3 आर मोर फ्रीक्वेंट इन एक्टिनाइड देन लेंथेनोइड, ठीक। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, सम एक्टिनाइड शोस जीजी ट्रांजिशन, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया एफएफ ट्रांजिशन होता है, ठीक, तो ये तो लाइन पहले ही कट होगी। अब सी ऑप्शन है UO2 प्लस एंड PuO2 प्लस 2 प्लस आर स्टेबल, की यूरेनियम और प्लूटोनियम के बिल्कुल स्टेबल होते हैं, मेटल ऑक्सोबोन शो करते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही होगी। अब क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, सम ऑफ द एक्टिनाइड्स डू नॉट हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब आपको एक बात बता होनी चाहिए कि जब मैन मेड एलिमेंट है और यूरेनियम के बाद सारे के सारे क्या होता है, जितना भी एटॉमिक नंबर 92 के बाद सारे के सारे रेडियो एक्टिव शो, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक, तो ये बात तो सही गलत हो, सही नहीं हो सकती कि सम ऑफ द एक्टिनाइड्स डू नॉट हैव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सबके सब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो ये बात भी गलत होगी। तो फ्रेंड्स अब पहला ऑप्शन आता है कि ये बात क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन +3, जो +3 आर मोर फ्रीक्वेंट इन एक्टिनाइड। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया एनर्जी गैप कम है, कि 5f 6d और 7s के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो ये कह रहा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंट, कि और तेजी से होगी, कि ज्यादा जल्दी तेजी से, मतलब फ्रीक्वेंट होगी, कि ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा होगी, कि अब +3 है तो +4 में भी जाएगा, +5 में भी जा सकता है, वो तो उसके मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंट मतलब और तेजी से, बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देन +3 एज कम्पेयर टू लेंथेनोइड। लेंथेनोइड में क्या होता है, 5f और आपका 4f और 5d के बीच में गैप कम होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, 5f 6d और 7s के बीच में तीनों में गैप कम है, तो और जल्दी तेजी से बढ़ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया और ये सही हो गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक फ्रेंड्स। तो ये मतलब लेंथेनोइड सीरीज के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एंड तक जरूर देखना और प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके फ्रेंड्स।